वेलकम टू जुडिशरी गोल्ड। मेरा नाम है अर्पिता और आज मैं सुनाने वाली हूँ आपको एक कहानी। ये कहानी नोएडा के सेक्टर 31 के एक गांव की है, जिस गांव के एग्जिस्टेंस के बारे में भी शायद हमें पता नहीं होता अगर वहां पे इतना बड़ा कांड नहीं होता तो। ये कहानी शुरू होती है जनवरी 2006 से। जनवरी 2006 में इस गांव जिसका नाम है निठारी, इस गांव से कुछ बच्चे गायब होने लगे हैं। बच्चों के माता पिता जाहिर सी बातें परेशान हैं और ये पुलिस के पास जाते हैं गुहार लगाने, लेकिन पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती। क्यों? क्योंकि ये बच्चे एक निचले तबके से आते हैं, ये बच्चे एक लोअर क्लास ऑफ द सोसाइटी से आते हैं। पुलिस कहती है कि तुम्हारा बच्चा भाग गया होगा, आ जाएगा वापस, परेशान मत हो, आ जाएगा। पुलिस को लगता है कि ये बच्चे तो भागते रहते हैं, इधर उधर चले गए होंगे काम की तलाश में, और पुलिस इस केस पे ज्यादा ध्यान नहीं देती। महीनों हो जाते हैं, अब आ गया है मई का महीना। मई में एक लड़की रिक्शा से इस निठारी गांव के पास एक कोठी है, कोठी का नंबर है D5, इस कोठी के सामने जाती है, रिक्शे वाले को बाहर खड़ा करती है और कहती है कि बस मैं अभी अंदर से आई। अंदर जब ये जाती है तब ये बाहर नहीं आती। अब जो रिक्शा वाला है उसे भी पैसे चाहिए, वो भी बाहर खड़ा हुआ है, बहुत देर वेट करता है, लेकिन जब ये वापस नहीं आती तब ये अंदर जाता है। अंदर इसे एक शख्स मिलता है जो इसे कहता है कि लड़की तो चली गई। अब इस कोठी का एक ही एंट्रेंस है जो एग्जिट है, तो लड़की आई और चली गई और इसे पता भी नहीं चला, ये तो बड़ी अटपटी बात है। वो उसे कहता है पैसे के बारे में, लेकिन उसे पैसे नहीं मिलते और उसे कहा जाता है कि तुम जाओ, ये चला जाता है। इस लड़की के पिता नंदलाल जी जाहिर सी बात है बहुत ही परेशान है, इनकी बच्ची अब नहीं मिल रही है, तो ये भी जाते हैं पुलिस के पास। पुलिस इनके साथ भी वही व्यवहार करती है और इनके इनकी लड़की को ढूंढने की कोशिश नहीं करती, लेकिन ये हार नहीं मानते। ये जाते हैं बड़े बड़े अफसरों के पास, कोर्ट तक जाते हैं अपनी बच्ची की मिसिंग कंप्लेन लिखवाने के लिए। तो ऐसे में जब प्रेशर बिल्ड होता है तब पुलिस को FIR दर्ज करनी पड़ती है, लेकिन FIR दर्ज करने के बाद भी पुलिस कुछ कर नहीं रही है इस केस में। तो ऐसे में ये खुद ही इन्वेस्टिगेट करना शुरू करते हैं। जब ये इन्वेस्टिगेट करते हैं तब इन्हें मिलता है ये रिक्शा वाला, जो बताता है कि इस लड़की को इन्होंने D5 के सामने छोड़ा था और ये लड़की वापस नहीं आई। इस इन्फॉर्मेंट को लेके ये पुलिस थाने जाते हैं और कहते हैं कि D5 से जरूर मेरी बच्ची के कुछ रिश्ता है, जरूर इसका मिसिंग में यहां पे कुछ ताल्लुक है। पुलिस वाले फिर भी नहीं मानते, लेकिन अब प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अब हाईकोर्ट ने तक कह दिया है कि इस बच्ची के मिसिंग कंप्लेन के बारे में इन्वेस्टिगेशन की जाए। तो ऐसे में अब पुलिस को कुछ करना पड़ेगा। पुलिस वाले इस लड़की को ढूंढना शुरू करते हैं, D5 के बारे में जो सुराग मिला है उसके तहत ये उस कोठी के अंदर जाते हैं, देखते हैं, कुछ नहीं मिलता, वापस आ जाते हैं। लेकिन अब पूरे गांव में, जिसमें करीब 16-17 बच्चे गायब हो चुके हैं, इस गांव में ये खबर फैल गई है कि जरूर इस कोठी से इन मिसिंग बच्चों का कोई ना कोई रिश्ता। तो ऐसे में ये गांव वाले खुद ही केस को इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं। इनमें से एक शख्स ये देखता है कि D5 जो घर है उसके सामने नहीं उसके पीछे की तरफ एक नाला है, बहुत बड़ा नाला है, और D5 के बैक साइड पे बहुत सारे बड़े बड़े पॉलिथिन बैग्स पड़े हुए हैं। ये पॉलिथिन बैग्स क्यों पड़े हैं, और पॉलिथिन बैग्स किसी और घर के सामने तो नहीं है? ये है वो नाला जो D5 के सामने है, D5 के पीछे की तरफ है। इस नाले में तफ्तीश की जाती है, पता किया जाता है कि ये क्यों है, क्या है, तो बहुत बड़े बड़े पॉलिथिन बैग्स मिलते हैं। एक पॉलिथिन बैग को बाहर निकाला जाता है, बैग को बाहर निकालते हैं तो जो सबसे पहली चीज इस बैग के खुलते ही मिलती है वो है ह्यूमन लेग, एक पैर। इसको देख के पुलिस वाले भी डर जाते हैं। जब सारे बैग्स निकलवाए जाते हैं तब उसमें मिलते हैं हमें बॉडी पार्ट्स, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, बच्चों के। पुलिस अब आगे एक्शन ना ले ऐसा नहीं हो सकता, तो पुलिस को अब तो एक्शन लेना पड़ेगा। तो ये कोठी है किसकी? ये कोठी बिलोंग करती है मोनिंदर सिंह पंढेर को। पंढेर साहब बहुत अमीर आदमी है, UK, US, ऑस्ट्रेलिया में इनका बिजनेस है। ये यहाँ रहते नहीं है, ये महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार आते हैं।
ये और इनका परिवार पंजाब में रहता है। तो घर को संभालने की जिम्मेदारी किसकी थी? घर को संभालने की जिम्मेदारी थी कोहली की, सुरेंद्र कोहली। सुरेंद्र कोहली और मोहिंदर सिंह पंडित, इन दोनों को ही पुलिस अरेस्ट करती है और पुलिस इनसे पूछताछ करती है। दोनों ही मना कर देते हैं कि हमें नहीं पता। लेकिन यहाँ पे जो एविडेंस मिला है वो है रियल एविडेंस और इसे डिनाई नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में मोहिंदर सिंह पंडेर कोहली पे इल्जाम लगा रहा है, कोहली पंडेर पे इल्जाम लगा रहा है, लेकिन पुलिस को ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर क्यों इतने बच्चों को मार दिया गया। इस केस में एक अटपटी बात जो थी वो ये थी कि जितने भी बैग्स मिले उन बैग्स में हर बच्चे का सर मिला, हर बच्चे का पैर भी मिला, लेकिन नेक से नीचे और लेग से ऊपर का पार्ट यानी जो धड़ का पार्ट होता है ये नहीं मिला कई बॉडीज का। तो ऐसे कैसे हो सकता है? पुलिस को लगा कि शायद कुछ पार्ट्स ऐसे होंगे जो नाले में बह गए होंगे, लेकिन सिर्फ धड़ का ही पार्ट बहे, ऐसा कैसे हो सकता है? जबकि हमारा धड़, इंसानी धड़ जो होता है ये तो सबसे हैवी पार्ट होता है बॉडी का, तो सिर्फ ये पार्ट बहा और बाकी बच गए, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो लोगों को लगा कि शायद ह्यूमन बॉडी पार्ट्स की तस्करी हो रही हो, लेकिन तस्करी हर कोई नहीं कर सकता, बहुत प्रिसिशन लगता है बॉडी पार्ट्स की तस्करी में, और सिर्फ चार ही ऑर्गन है जो ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं। एक है आंख, दूसरा है दिल, तीसरा है लिवर, चौथा है किडनी। बस जैसे ही कोई पर्सन मरता है विदिन 45 मिनट्स लिवर और किडनी हैव टू बी ट्रांसप्लांट। एक घंटे के अंदर दिल करना पड़ता है और आंख के लिए भी 6 घंटे का ही समय है। तो ऐसे में ये पॉसिबिलिटी भी नकार दी गई कि ये कोई तस्करी का मामला है। तो फिर क्या हुआ कि ऐसा हुआ? तो ऐसे में जब इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो मोनिंदर सिंह पंडेर एक बयान देते हैं पुलिस को जिसमें ये बताते हैं कि मैं इस बारे में तो कुछ नहीं कह सकता कि ये सब क्या हुआ है क्योंकि मुझे नहीं पता। मैं उस घर में जरूर जाता था लेकिन मैं सिर्फ अय्याशी करने के लिए जाता था। मेरा वहां पे एक एजेंट था जो वहां पे मुझे लड़कियां लाके देता था। मैं उन लड़कियों के साथ रात स्पेंड करता था और सुबह निकल जाता था। एक दिन जब मैं वहां पहुंचा और मुझे एजेंट ने लड़की नहीं दी, तब मैंने सुरेंद्र कोहली को कहा कि मुझे लड़की लाकर दे। उसने एक लड़की लाकर दी और सुबह क्योंकि मुझे जल्दी जाना था तो मैं वहां से निकल गया। उसके बाद वो लड़की का क्या हुआ मुझे नहीं पता। ऐसे में सारा शक गया सुरेंद्र कोहली पे। सुरेंद्र कोहली से पुलिस पूछताछ करती है तो सुरेंद्र कोहली इस बात को एक्सेप्ट करता है बहुत टाइम बाद, लेकिन इस बात को एक्सेप्ट करता है कि इन बच्चों का खून उसी ने किया है और ये खून जो पहला खून था वो उसी लड़की का था जो सुरेंद्र कोहली ने मोनिंदर पंडेर को लाकर दी थी। इस लड़की से सुरेंद्र कोहली ने कहा था कि ये उसके साथ भी इलिसिट एक्टिविटीज करे और उस लड़की ने मना कर दिया। तो ऐसे में इसे गुस्सा आया, इसने उसका गला दबा के हत्या की। हत्या करने के बाद इस लड़की के साथ उसने गलत काम किया और फिर उसे बाथरूम में ले जाके बॉडी पार्ट्स काट के उसे फेंक दिया। जब पहली बार ऐसा किया और कुछ नहीं हुआ, उसे और हिम्मत मिली और अब इसके मुंह खून लग चुका था। अब ये महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार घर के बाहर निकलता टॉफी लेके और कोई ना कोई बच्चा इसे दिख जाता जो टॉफी के लालच में इस कोठी के अंदर आ जाता और ये बच्चों के साथ ऐसा काम करने लगा। इसके बाद कुछ बच्चों को, करीब 5 से 6 बच्चों को इसने मार के कुकर में पका के भी खाया। ये बात इसने खुद एक्सेप्ट करी। ये बात इतनी घिनौनी थी कि पुलिस वालों को यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन इस बात के अलावा कोई और एक्सप्लेनेशन भी नहीं था किसी के पास इस पूरे कांड को समझाने का। इस चीज के बाद ये पता किया गया कि क्या सुरेंद्र कोहली इस तरह का शख्स था जो इस तरह का काम कर सकता था। तो ऐसे में पता चला कि सुरेंद्र कोहली के 2 बच्चे हैं, वो अल्मोड़ा से है, उत्तराखंड में एक जगह है। अल्मोड़ा में सुरेंद्र कोहली के 2 बच्चे जरूर हैं, पर ये इसके बाद इम्पोटेंसी से जूझ रहा है जिसके लिए काफी बार डॉक्टर्स के पास जा चुका है लेकिन डॉक्टर्स इसका इलाज नहीं कर पाए। तो ऐसे में
टू फील द अल्टीमेट पावर, टू फील द अल्टीमेट अथॉरिटी ओवर ह्यूमन लाइफ, इसे थ्रिल मिलने लगा बच्चों को मार के, इसे मजा आने लगा उन बच्चों को मार के। ये केस बहुत, अगर मैं ये कहूं कि ये केस बहुत सनसनीखेज है तो ये शायद गलत होगा, ये केस बहुत ही घिनौना है, जहां पे एक शख्स बच्चों को मार के रेप करके, वहां भी उसकी हैवानियत बंद नहीं होती, वो अभी भी इनको मार के काट के खा रहा है। इस केस में एक चीज जो हम समझे वो ये थी कि अगर इन बच्चों में से एक भी बच्चा अगर किसी अमीर घर का होता या हाई क्लास सोसाइटी से बिलोंग करता, तो इतने सारे बच्चों की शायद जान ही नहीं गई होती, शायद पुलिस पहले ही एक्टिव हो जाती। लेकिन क्योंकि ये बच्चे एक इस तबके से बिलोंग कर रहे थे जिस तबके के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल फील ही नहीं करता, तो पुलिस ने भी इस बारे में इन्वेस्टिगेट करना जरूरी नहीं समझा। मोइंदर सिंह पंढेर को काफी सारे केसेस में अक्विटल मिल गया है और सुरेंद्र कोहली को 14th डेथ पेनल्टी सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। 17 बच्चों के मर्डर का इल्जाम है, जिसमें से 14 केसेस में जजमेंट आ चुका है, जिसमें सभी में सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा दे दी गई है। लेकिन इन फैमिलीज का क्या, जिनके पास ज्यादा कुछ था ही नहीं गवाने के लिए, सिर्फ बच्चे ही थे और ये बच्चे भी चले गए। इन फैमिलीज को ये लगता रहा कि जरूर उस कोठी के पास कोई भूत होगा जो भूत इनके बच्चों को खा रहा है। इन्हें क्या पता था कि वो भूत नहीं था, वो एक जीता जागता इंसान था। ऐसे में पूरे प्रोसेस पे, इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस पे डाउट तो जरूर होता ही है कि ये सब पहले क्यों नहीं हो पाया, 17 बच्चों को क्यों मरना पड़ा और सिर्फ एक शख्स नंदलाल जी के कोशिशों के कारण इन सभी 17 बच्चों को जस्टिस मिल पाया। खैर, जस्टिस मिला या नहीं मिला ये सवाल मैं आप पे छोड़ती हूँ, और अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह के कंटेंट और लेकर आए तो जरूर हमें बताइए कमेंट सेक्शन में।